अच्छा मैंने पूछना था कि कोई तीन चार चीजें जो हम एक पूरा प्लान तो बना रहे हैं किसानों के लिए मदद करने के लिए, तो आप कोई ऐसी मुझे चीजें बताएं जो आप समझते हैं पांच छह बड़ी जरूरी चीजें। जी गुजारिश है खान साहब के, हमारा इलाका जो है ना वो अपर पंजाब जैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पंजाब के चार फसलें उनकी हैं, जैसे गन्ना है, कपास है और गंदम वगैरह भी है, यार वो चार चीज़ें हैं, तो उनके ज़्यादा वाफर मकदार में उनके पास है, तो उनके तो बिक जाती है, तो वो किसान तो खुशहाल है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना सर, इतनी क्वांटिटी नहीं है हमारे पास, यानी कि हमारे पास बड़े किसान के पास अगर कुछ थोड़ा सा गंदम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, उसके अलावा तो हमारे पास गन्ना भी नहीं और कपास भी नहीं, यानी हर किस्म की सब्जी है। तो उसके लिए सर हमारे ज़रूरत सोलर की है सर जी, कि पेट्रोल अगर मैं सर जी, मैंने मिसाल के तौर पर मैंने 2 एकड़ ज़मीन काशी है गोभी, फूल गोभी, तो सर अगर मैं 5 रुपए किलो बेच रहा हूँ, मुझसे कोई खरीद नहीं रहा है इस वक्त, अभी आज की बात कर रहा हूँ सर। कीमतें नीचे आई हुई बहुत नीचे, और टमाटर सर तकरीबन यानी कि 150 रुपए के 5 किलो, यानी 120 रुपए के 5 किलो इस हिसाब से मिल रहे हैं सर। तो उस वो लोगों के लिए जिनके लिए जो शहर में रह रहे हैं या जो खरीद रहे हैं उनके लिए तो आसानी है सर, लेकिन जिम्मेदार के लिए ना बहुत मुश्किल है सर। दूसरी सर अगर मैं 1 एकड़ जमीन सैराब करना चाहता हूँ, एक आपका हो गया कि अगर सोलर ट्यूबवेल हो तो आपका खर्चा नीचे आ जाएगा। जी जी जी, पेट्रोल बहुत महंगा। उसके लिए सर जी 1 एकड़ जमीन अगर मैं सैराब करता हूँ सर, तो मुझे 4 लीटर पेट्रोल चाहिए सर, और अगर 4 लीटर पेट्रोल में एक टाइम में इस्तेमाल करता हूँ सर, तो पंजाबी गल करें सर, इस रहे कि आज मिसाल तौर पर अगर ये पोजिशन रही सर, हर तीसरे दिन में मतलब 1 एकड़ जमीन पानी पिलाना पैसी, तो फिर मतलब इसने उसी के मैं हर दूसरे तीसरे दिन 1-4 लीटर पेट्रोल, और उसकी कीमत में अगर परसा तो सर अगर असा सारे जिम्मेदारों से सोलर रिलीफ दी वे सर जी सब तो दुई जी सर गल कि एग्रीकल्चर जी अद्वियात ने सर दवाइयां जी उसने सर दो अगर असा सारे जिम्मेदारों से सोलर रिलीफ दी वे सर जी सब तो दुई जी सर गल कि एग्रीकल्चर जी अद्वियात ने सर दवाइयां जी उसने सर दो मतलब है कि फैट होने एक तो ये सर कि वो असली तो नकली भी ज़्यादातर नुकसान है सर। मिसाल के तौर पर अगर मैं 1500-2000 की कोई दवाई इस्तेमाल करना, ये जरा तुम नोट करो, ये जो है ना नकली दवाई है, इसके ऊपर पूरा क्रैक डाउन करना पड़ेगा सर। अगर बिल्कुल कह रहे हैं नकली ज्यादा खान साहब, अगर मैं 2000 की दवाई लेके आना तो अपने फसल तो स्प्रे करना, तो 2000 की दवाई 200 का काम भी नहीं कर दी। अगर आज अल्लाह करे बारिश होवे जी, ते सारे मेरे भरा इत्थे बैठे वन जी कि असने पूरे इलाके च खाद नहीं लभनी जी, फिर यूरिया या डीएपी खाद कर दे, पर बड़ी मुश्किल जी इस वक्त वो उस ले महंगी हो जुल शॉर्ट कर दे सुन, या फिर के कर सुन जी, अगर आज उस दी रेट है, अगर आर उस रेट है 2200-2600 रुपए, अगर बारिश हो गई जी तो खुद ब खुद 2800-3000 तक रेट चला जा, खाद शॉर्ट कर छोड़ने जी तो महंगी खाद एक हो गई ने, बीज आ गए जी चौथे नंबर पे बीज जी, मैं 12000 का एक पत्ता टमाटर का बीज मतलब बीज काश की तेजी छोटी जी जगह थोड़ी जी जगह थे तकरीबन 4-5 इतनी जगह थे, 12000 का एक पत्ता ते ओ एक आधा एकड़ यानी 4 कनाल जमीन उदे नाल मेरी काश्त होनी है जी, वो जब काश्त होनी तो उदे मतलब तैयार होनी तो कम अज कम उस 4 कनाल ते मेरे 50000 रुपए खर्च होने सर, ओ टमाटर अगर इस तरह 20 रुपए किलो जासन जी, तो फिर किसान मैं नेक्स्ट टाइम ते 20 भी नहीं बात, उस तो भी सस्ते साडे कोल सोलर पे सब्सिडी चाहिए। सोलर एक तो सोलर हो गया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से जो आप पे ये जो आप जिस कीमत पे ये आप बेच रहे हो जी सर, और जिस कीमत पे शहर में बिक रही है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है, लेने वाला ही नहीं, मंडी वाले फायदा उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि बीच में इतना ज्यादा बीच में कोई पैसा बना रहा है, मैंने तो ये कर रहे हो, मैंने तो आप कर रहे हो, सो हम इसके ऊपर भी हमने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ इसके लिए। सर ये सब्जियां अगर इम्पोर्ट ना हो ना तो हमारा जो है ना फिर ये आमदन ज़ायद हो सकती है। नहीं, असल में जो मुझे समझ आई है ना, जो हमने देखा है कि जो किसान जिस चीज़ जो बेचता है और जो शहर में चीज़ बिकती है उसमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। तो वो जो अगर हम मदद करके हुकूमत किसान को हम ज़्यादा पैसा दिलवा दें और शहर में कम कर दें, अगर हम वो बीच में वो जो बीच में पैसा अगर उसमें और उसी के ऊपर हम लगे हुए हैं ना, हमारी कोशिश यही है स्टोरेज फैसिलिटी उससे भी इनको मदद मिले। हाँ, और स्टोरेज भी हो जाए तो वो भी ठीक उसी सर जी मदद मिल सी ना, मतलब मिसाल का साडा खर्चा थोड़ा जी डिस्काउंट हो जासी, अच्छा पेट्रोल का खर्चा कम हो जासी,
अगर बीज ने बारे पेट्रोल तो हमने बढ़ने नहीं दिया इस बार की कीमत है। नहीं सर, लेकिन अगर मैं दूसरी गल कर रहा हूँ सर, अगर शराब में जमीन शराब करता है ट्यूबवेल के लिए सर कह रहा हूँ ना, अगर सोलर नहीं, ये सोलर तो... अगला रास्ता ही सोलर का, सोलर की अब सस्ती होती जा रही है, सोलर की बिजली वो बल्कि इससे अब बहुत सस्ती हो गई है, सोलर ही करेंगे, वो एक दफा लग गया उसके बाद तो आपको फिक्र गई ना सर। ट्यूबवेल लगाने में मैं सोच रहा हूँ इसमें हम जो भी लंबा कर्जा भी दे सकते हैं ताकि आराम आराम से किस्तें भी देते रहो। आजकल तो सोलर बड़ी सस्ती हो गई है, बहुत सस्ती और सस्ती होती जा रही है। एहसास में अगर आप डालें तो भी बीज ने बारे सारे के मिसाल तौर पे अगर दो साल पहले बीज अगर जड़ी चीज बीज 10-5 हज़ार थे, आज 12 हज़ार तक क्यों जी एक्सपोर्ट हो रही है, बाहर से एक्सपोर्ट हो रही है जी, और डॉलर ये है और वो है, तो सर जी वो मतलब मसला किसान सारा मसला बह गया, सारी चीज बीज थे और खाद मतलब सोलर सारे अगर 3-4 चीजें वैसे फर्क पड़ जाएगा अभी आपको थोड़ी देर में, जो अब हम चीजें लेके आ रहे हैं ना इसमें पूरा काम हो रहा है, क्योंकि इस पर ही हमने ये महंगाई जो आई है खाने पीने की चीजों में हमने जब देखा तो जो किसान बेचारों के पास उनको पैसा नहीं मिल रहा और बीच में शहर वाले शोर मचा रहे हैं महंगे हो गए, किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा, मिडमैन को मार रहा है। आप मैं इसे करता हूँ सब्जी का अगर पूछ रहे ना, ये मार्केट है साथ नजदीक शहर है, नहीं आप, नहीं ये हमारी जिम्मेदारी अब हमने ये करना है। 15/9/2096 में नरतों पर टूल टैक्स में आए थे, मेरे पास आपकी तस्वीर है, मैं हर रोज उसका तस्वीर किधर जी नरतों पर जी ममरिया खान के पास जी, हां खान के पास चल जाएगी। ओके ओके जी।